नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं लोकल खबर। कोरोना के बाद झारखंड की राजधानी रांची में अब ब्लैक फंगस भी तेजी से पांव पसार रहा है। रिम्स और सदर अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के मरीज एडमिट है और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है, लेकिन इसको कैसे रोका जाए इसको लेकर दिव्यनायका अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के चीफ डॉक्टर चंदन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर चंदन बता रहे हैं कि किस कारण से ब्लैक फंगस फैल रहा है और इसे कम दामों के दवाई से कैसे इसका उपचार किया जाए। या व्हाइट फंगस या येलो फंगस जो भी है वो सब इसलिए जा रहा है कि सबसे पहला बात कि हम लोगों की गलती है, बिना चिकित्सकीय सलाहकार और चिकित्सकों का सलाह लिए बिना आप ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में लेकर के अपने घर में रखते हैं, उसमें टैप वाटर का पानी भरते हैं ह्यूमिडिफायर के लिए, वो फंग और उस हर एक टैप वाटर में फंगस होता है और वो फंगस नाक के थ्रू अंदर जाता है। दूसरी प्रिकॉशन मैं इस पर बताना चाहता हूँ कि जो अफवाह उड़ी है कि मिथिलीन ब्लू के कारण ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या येलो फंगस है और एनी अदर मैं जो आपको फंगल डिजीज है वो जा रहा है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स एज ए मेडिकल साइंटिस्ट ऑफ इंडिया मेरा जो कर्तव्य है मुझे बताना चाहिए और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बता रहा हूँ कि जो भी डॉक्टर्स नाक में ऑक्सीजन देने का दो तरीका होता है, एक नेसल प्रोब से देते हैं और एक मास्क दे देते हैं। नेसल प्रोब महा बेकार चीज़ है, ठीक है, क्योंकि नेसल प्रोब से ऑक्सीजन जितना आप दे रहे हैं उसका 70% ही आपके अंदर जाता है और मास्क से दे रहे हैं तो उसका 90% ऊपर ऑक्सीजन जाता है। और पहला बात ये वो नेसल प्रोब ज़्यादा अंदर तक चला जाता है, उसके कारण भी ब्लैक फंगस फंग और वॉट एवर द फंगस जो भी फंगस है वो अंदर जाता है उसके कारण। और इसकी दवाई जो है एम्फोटेरिसिन भी मुझे याद आता है जब मैं 7 साल पहले कहा था कि अभी हम लोग जब मैंने इन्हेल्ड एंटीबायोटिक बनाया था और एक सेमिनार में मुझसे बात हुई तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, मैंने कहा कि अभी हम लोग इन्हेल्ड एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में इन्हेल्ड एंटीवायरल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब ब्लैक फंगस एंटी फंगल जो थेरेपी है मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार हमारे चिकित्सक मित्र और जितने भी हमारे राष्ट्र के लोग हैं झारखंड के लोग हैं मैं उन्हें अपील करना चाहता हूँ, ये मेरा स्वयं का प्रयोग है कि केवल एम्फोटेरिसिन बी से इतनी महंगी दवाई है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, खोजने पे मिल नहीं रही है, दवाइयों पे दुकानों में लंबी कतारें लगी हुई हैं फिर भी नहीं मिल रही हैं और उसका दाम आपका मिनिमम 3,500 से लेके 5,500 होता है और लगभग 50-100 इंजेक्शन लगाना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो एक आम आदमी कहाँ से सकेगा आपको 1.5 लाख से 2 लाख एक इंजेक्शन के लिए, ठीक है। मैं अपने पिताजी का उन्हें भी ब्लैक फंगस हुआ था ये और मेरा दूसरे पेशेंट्स का भी मैं अपने प्रयोग से बता रहा हूँ। फ्लूकोनाजोल टैबलेट 150 mg, उसमें डेक्सामेथासोन देने की आवश्यकता नहीं है और साथ साथ फ्लूकोनाजोल इन्फ्यूज़न 2 mg/ml 200 ml यानी 200 ml में यानी 200 mg 3 दिन चलाइए, 3 टाइम करके आपका ब्लैक फंगस या वो आपके लंग्स में हो या कहीं पर भी हो वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं अंतिम ये बोलना चाहूँगा कि हाँ साफ सफाई बरतना अनिवार्य है, गर्मी के दिन में ऐसे भी पसीने से फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिसे पहले हम लोग दिनाए कहते थे अपनी भाषा में, ताकि मैं बिहार झारखंड से हूँ तो हमारी भाषा लोग ज़्यादा समझेंगे, तो गर्मी के दिन में ऐसे हो जाता था। तो आप लूलिकोनाजोल 1% लगाएं अपने वाइंटमेंट में, उसको लगा के धूप में ना जाएं, पेंटाप्रेजोल ले लें, अगर मुंह सूख रहा है तो शुगर फ्री या टॉफ़ी कुछ चूस लें और साथ में 150 mg का फ्लूकोनाजोल टैबलेट दिन में 2 बार और
200 ml इन्फ्यूज़न यानी 200 mg फ्लूकोनाजोल इन्फ्यूज़न चलाएं